प्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ एक। पाठ एक हमारा था भाषा। भाषा में हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद और भाषा के विविध रूप पढ़े। आज हम लिपि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लिपि भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है, यानी भाषा लिखने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अब हम देखते हैं भारतीय भाषाएं, यानी भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। भारत की मुख्य रूप से भाषा है हिंदी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो वो सब अपने अपने राज्यों के अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा है। वे हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, यानी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बंगाली बोली जाती है। गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, केरल की मलयालम, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, यानी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि लिपियां कौन कौन सी होती हैं। यानी भारत में के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि कुछ भाषाओं की लिपि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। जैसा कि हम देखते हैं भाषा और लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। जर्मन भाषा की लिपि रोमन। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। बोडो की देवनागरी। नेपाली की देवनागरी। उर्दू की फारसी। पंजाबी की गुरुमुखी। बंगाली की बांग्ला। तमिल की तमिल। मलयालम की मलयालम। ये कुछ भाषाएं मैंने यहाँ पर बताई हैं जिनकी आपको लिपियाँ समझाई हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी हम किसी भाषा को बोलेंगे तो भी हमें उस चीज़ का सही तरीका, यानी बोलने का सही तरीका आना आवश्यक है। जैसे हम किसी बात को, किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो हम सही शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले से बात करेंगे, तो वहाँ पे हमें व्याकरण का सही ज्ञान होगा। तो हम व्याकरण की डेफिनेशन देखते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी लिखने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, व्याकरण का सही ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, मेरे को विद्यालय जाना है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मेरे को विद्यालय जाना है। ये सेंटेंस वाक्य थोड़ा सही नहीं है। अब इसको हम सही बनाएंगे, यानी व्याकरण के तरीके से इसको सही जगह से रखेंगे वर्ड को। तो हम देखते हैं मुझे विद्यालय जाना है, यहाँ पर वाक्यों का सही प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे आगे इस लेसन का अभ्यास कार्य। हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम देखते हैं इनका अभ्यास कार्य। जो भी हमारा अभ्यास कार्य है उसे आपको नोटबुक में करना है। अभ्यास कार्य में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, भाषा के द्वारा हम दूसरों को अपनी बात समझाते हैं। यानी हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के द्वारा हम दूसरों को अपनी बात समझाते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सुनकर, बोलकर, लिखकर, जो कि मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि
कि भाषा के द्वारा हम दूसरों को अपनी बात कैसे समझाते हैं, बोलकर। यानी हम एक दूसरे से बात करेंगे तो बोलकर सामने वाले को अपनी बात समझाएंगे, तो इसमें राइट होगा बोलकर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भाषा के प्रकार हैं, यानी भाषा के कितने प्रकार हैं। भाषा के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, मौखिक और लिखित। तो हम दो लिखा हुआ है उसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो वाक्य सही हैं उनके सामने हमें सही का निशान लगाना है, और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। अब हम देखते हैं हमारा क्या नंबर क्वेश्चन, हिंदी हमारी राजभाषा है। जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर का जो दिन होता है उसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी हमारा सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। यानी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर हमें लिखने हैं। तो हम 1 नंबर देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं। यानी हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य के भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करता है, आपस में अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। भाषा के दो प्रकार हैं, नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है। मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं, यानी कि मौखिक भाषा में हम किसी दूसरे को अपनी बात बताएंगे तो क्या करेंगे, उसे लिखकर नहीं बताएंगे, उसे क्या, बोलकर बताएंगे कि मेरे ये बात है। यानी अपनी भावनाएं जो भी हैं, अपने अंदर जो भी बातें हैं, वो हम सामने वाले को बोलकर बताएंगे। और लिखित भाषा में क्या होता है कि जो भी बात होती है अपनी, वो लिखकर बताते हैं, यानी हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। आज हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करना है आप लोगों को, जैसे कि अभ्यास कार्य आपको नोटबुक में करना है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं 4, 1, 2, 3, 4, चारों क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, और लिखना भी है, इसे याद भी करना है। धन्यवाद।